उस समय के शासक राव लूणकरण के पुत्र राव जेतसी राठौड़ का शासन था और जेतसी के ऊपर आक्रमण करने का निश्चय किया। लेकिन मालदेव काफी महत्वाकांक्षी शासक थे। वे चाहते थे कि राठौड़ों की बीकानेर रियासत को वो अपने राज्य में शामिल कर ले। यदि बीकानेर पर अधिकार हो जाए तो राजपुताने का एक बड़ा हिस्सा मालदेव जी का हो जाएगा और उन्होंने ये बात सोचकर बीकानेर पर आक्रमण करने की ठानी और 9 दिसंबर 1541 को उन्होंने आक्रमण की तारीख निश्चित की। ये तारीख कुछ जगह भिन्न भी हो सकती है। राव जेतसी को खबर मिली कि मालदेव बीकानेर पर चढ़ाई करने वाले हैं तो उन्होंने अपने मंत्री नगराज के साथ विचार विमर्श किया। नगराज ने राव जेतसी से कहा कि मालदेव काफ़ी शक्तिशाली है और हम उनका सामना बिना किसी गठबंधन के नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की चर्चा के बाद राव जेतसी ने मंत्री नगराज को अन्य साथियों सहित अफगान बादशाह शेरशाह सूरी के पास भेजा था। उस समय राव जेतसी ने अपने पुत्र कुंवर कल्याणमल, कुंवर भीम आदि को राज परिवार व 200 सैनिकों सहित शेरशाह नामक नगर भेज दिया ताकि वे सुरक्षित रह सके। राव जेतसी ने बीकानेर नगर व किले का उत्तरदायित्व सांखला महेशदास भोजराज रूपावत को सौंप दिया और स्वयं सेना सहित मालदेव की सेना का सामना करने के लिए रवाना हो गए। मालदेव 20,000 सैनिकों सहित बीकानेर की तरफ रवाना हुए। सेनापति राव कोप्पा राठौड़ ने सेना को युद्ध के अनुसार व्यवस्थित कर दिया और दोनों सेनाओं ने पही और कुआ गांवों में डेरे लगाए, जिसे पहोबा और साहिबा का युद्ध भी कहा जाता है। गांवों का प्राचीन नाम पही और सुआ था। ख्यातों में लिखित घटना के अनुसार राव जेतसी ने पठानों से कोई 2,000 घोड़े खरीदे थे, लेकिन कुछ ख्यातों में यह भिन्न भी मिलता है और उसके चक्कर में उनके कुछ सैनिक इधर उधर हो गए। जेतसी के साथ महज 150 योद्धा उस युद्ध में थे, जिसमें राजपुरोहित किशन दास जी ने राव जेतसी ने साहेबा नामक गांव में राव मालदेव की सेना का सामना किया। भीषण युद्ध हुआ जो 3 दिनों तक चलता रहा। इस युद्ध में बीकानेर के मंत्री भीमराज और बीकानेर नरेश राव जेतसी राठौड़ किशन दास जी एवं कई सैनिक को प्राप्त हो गए। इस युद्ध में 17 सैनिकों ने जरूर वीरगति पाई। दोनों तरफ से कुल कितने सैनिक काम आए ऐसा कुछ विशेष लिखा नहीं है। जोधपुर की ख्यात के अनुसार 6 मार्च 1542 को यह युद्ध हुआ, लेकिन यह तिथि गलत है क्योंकि राव जेतसी की छतरी पर खुदे हुए लेख के अनुसार वे विक्रमी संवत 1598 अर्थात 1541 को ईस्वी सन को वीरगति को प्राप्त हुए। फिर मालदेव ने बीकानेर जाकर बीकानेर दुर्ग पर आक्रमण किया और 3 दिनों तक घेराबंदी रही। फिर 4th दिन किलेदार भोजराज ने गढ़ के द्वार खोल दिए। दोनों तरफ से भारी लड़ाई हुई जिसके अंदर 1500 बहादुरों ने वीरगति प्राप्त की।